उत्तराखंड, पर्वतीय नैसर्गिक सौंदर्य का उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के इन्हीं नजारों को पर्यटकों के पास पहुंचाने के लिए उत्तराखंड सरकार हर कदम उठा रही है। यही वजह है कि पौड़ी जनपद के हिल स्टेशन खिरसू से पर्यटन की संभावनाओं को तराशते हुए जनपद पौड़ी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार बर्ड वॉचिंग प्रशिक्षण शुरू किया गया है। बर्ड वॉचिंग का यह प्रशिक्षण बर्ड वॉचिंग के एक्सपर्ट्स द्वारा सरकारी स्कूलों से चयनित 25 छात्र छात्राओं के एक दल को दिया जा रहा है, जो भविष्य में पर्यटकों के गाइड बनकर पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे परिंदों की संपूर्ण जानकारी खिरसू और अन्य हिल स्टेशनों का रुख करने वाले पक्षी प्रेमी और पर्यटकों को आसानी से इस प्रशिक्षण को लेकर दे पाएंगे। साथ ही पर्यटकों का गाइड बनकर खुद के लिए एक अच्छी खासी इनकम को भी छात्र छात्राएं आसानी से कमा पाएंगे। 5 दिनों तक चलने वाले इस बर्ड वॉचिंग प्रशिक्षण में बारीकी से पक्षियों का अध्ययन छात्र छात्राएं कर रही हैं। 5 दिनों के लिए हिल स्टेशन पहुंचे बर्ड वॉचिंग एक्सपर्ट्स के माने तो विश्व में लगभग 13,000 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, जबकि भारत में 1300 और उत्तराखंड में करीब 700 प्रजाति के पक्षी मौजूद हैं। लेकिन इनमें से 600 प्रजाति के पक्षी अकेले पौड़ी जनपद में ही पाए जाते हैं। कई परिंदे सीजन आने पर पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करते हैं, ऐसे में उनकी प्रजातियों के साथ ही संपूर्ण डाटा का संकलन तो किया जा रहा है। साथ ही इन पक्षियों के नाम के साथ ही इनकी चहलकदमी की पूरी जानकारी इन छात्र छात्राओं को दी जा रही है, और इस प्रशिक्षण को लेकर छात्र छात्राएं भी बेहद उत्साहित हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि ये नेचर से अपने आप को कनेक्ट करेंगे, प्रकृति से जो रिश्ता टूट गया है बच्चों का, उस रिश्ते को पुनः जोड़ने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से टूरिज्म के क्षेत्र में बर्ड वॉचिंग एक इको टूरिज्म एक्टिविटी के रूप में उभर रही है, उससे बच्चों को जोड़ना, और इसमें जो अच्छा काम करेंगे वो अपने टूर गाइड के रूप में, नेचर गाइड के रूप में अपने घर में रहते हुए अपना एक रोजगार का साधन भी प्राप्त कर सकते हैं। पर अभी जो बेसिक है वो ये कि इनको इनके परिवेश से जोड़ने की ज़रूरत है, और नेचर के जो एलिमेंट्स हैं उससे ये अपने आप को जोड़ें और उसके बारे में जानें, और फिर शनै जो है जब जब ज़्यादा इनको काम करने का मौका मिलेगा तो ज़्यादा जानेंगे भी, और फिर बर्ड गाइड के रूप में, नेचर गाइड के रूप में ये अपना एक रोज़गार का साधन भी इससे बना सकती है इनके ऊपर। और उसके साथ बहुत यहाँ पर रिच बर्ड डाइवर्सिटी है। अभी इस पार्क में सुबह हमने खलीज फिजन देखा, जो कि बहुत सुंदर एक चिड़िया है। तो 5 दिन के अंदर हमको लगता है कि हम और ज़्यादा चिड़िया यहाँ की देख पाएंगे और उनको ठीक से कैटलॉग कर पाएंगे। खिरसू बहुत एक महत्वपूर्ण स्थल है, पर्यटक स्थल है, और इसको काफ़ी अलग अलग बड़े बड़े शहरों के लोग जानते हैं और लोग यहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो उनके लिए दरअसल में यहाँ के बच्चे अगर बर्ड वॉचिंग, बर्ड के बारे में जानकारी रखेंगे तो जो टूरिस्ट आएंगे उनको वो गाइड का काम कर सकते हैं, बर्ड को बता सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमारे पौड़ी गढ़वाल में 600 किस्म की चिड़िया पाई जाती है। वो हमें अलग अलग वैरायटीज़ की चिड़ियाओं के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग प्रजातियों की चिड़ियाँ दिखा रहे हैं, जहाँ हमने भी बहुत सारी चिड़ियाँ 3-4 प्रकार की चिड़ियाँ दिख रही हैं, जिनमें एक है ग्रेट ट्री पाई और एक है कॉमन मैना और एक है हाउस स्पैरो। अगर कोई बाहर से कोई पर्यटन आता है उसको हम एक गाइड के रूप में सब बता सकते हैं कि ये चिड़िया कौन सी है, चिड़ियाओं के बारे में बता सकते हैं। कुल मिलाकर इस पहल से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही हिल स्टेशन पहुंचने वाले पर्यटक या पक्षी प्रेमियों को छात्र छात्राओं से पूरी जानकारी भी मिल पाएगी। जय भीम टीवी के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।